इस वक्त हम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं। आप जानते हैं चार दिन से लगातार कवरेज चल रही है। आप पीछे ये जो तस्वीर देख रहे हैं, पहले आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं, इतने सारे छात्र जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। जिस वक्त पर छात्रों तैयारी कर रहे होते थे आमतौर पर, अनुराधा तवर मेरी सहयोगी भी मेरे साथ यहाँ पर है इस वक्त पर। अनुराधा, हम जानते हैं कि 2 महीने में मेंस का एग्जाम है, बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर हो किया होगा, सभी इस बात की तैयारी कर रहे होंगे कि आईएएस बनना है, उसकी तैयारी पर फोकस होता, आज इन्हें यहाँ बैठना पड़ रहा है। आप दुर्भाग्य सोचिए कि काम छोड़कर अपना इतना रेंट देते हैं, इतना पैसा भरते हैं, लोन उठाते हैं और आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए निधि, मतलब यहाँ आप ये देखिए कि कितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं जो इस वक्त अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपनी तैयारी को छोड़कर, अपनी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को छोड़कर, अपने एक तरीके से अपने ड्रीम को साइड रख के वो यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में यहाँ एक जगह एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि इन्हीं एस्पिरेंट्स में से 3 ऐसे एस्पिरेंट्स जो शायद आगे चलकर आईएएस बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे, ऑफिसर्स बन सकते थे, वो सिस्टम की वजह से, मतलब सिस्टम की बलि चढ़ गए एक तरीके से और सिस्टम उन्हें निगल गया है। और उन 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत के बाद आज आप ये देखिए कि ओल्ड राजेंद्र नगर में ये तमाम एस्पिरेंट्स एक साथ आकर अपनी तैयारी छोड़कर यहाँ बैठने को मजबूर हो गए हैं। ये एक तरीके की मजबूरी है, वो अपने हक के लिए अब यहाँ पर खुद संघर्ष कर रहे हैं और वो ऐसा संघर्ष है जो कोई एस्पिरेंट नहीं करना चाहता होगा। क्योंकि आप देखिए निधि, आप लगातार कवरेज करती हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट से भी मिलती हैं, आईएएस ऑफिसर से भी मिलती हैं, तो जो एक जर्नी है एस्पिरेंट से ऑफिसर बनने की, वो उसमें बहुत स्ट्रगल होता है। एक बार में नहीं क्लियर होता किसी का, 2 बार में नहीं क्लियर होता, कई कई अटेम्प्ट लग जाते हैं और उसके बाद किसी एस्पिरेंट का कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है। लेकिन यहाँ पर आज स्टूडेंट्स को आप देखिए ना, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस वजह से हुए क्योंकि इन्हें लगता है कि जिस सिस्टम ने उनके 3 साथियों को छीन लिया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। आप पीछे पोस्टर देखेंगे, तो बेसमेंट कल्चर बंद करो, वहाँ पोस्टर देखेंगे तो यूनिटी स्ट्रेंथ, यहाँ पे पोस्टर देखेंगे आवाज़ दो हम एक हैं। ORN के छात्र आज एक होने आए हैं, दूसरी तरफ पुलिस को लेकर कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग जो है बंद कर दी गई, ज़्यादा छात्र जो है उस तरफ नहीं आ पा रहे। लेकिन आप भीड़ देखिए और जो हम लगातार बात कर रहे थे स्टूडेंट से भी, अनुराधा बात करेंगे, जो भुक्तभोगी हैं इसके, उनसे बेहतर कौन बता पाएगा। हम ये बात कर रहे थे कि जिन छात्रों को आज पढ़ाई में मशगूल होना चाहिए था, जिन छात्रों को इस वक्त पढ़ाई में जो छात्र मशगूल होते, आपने अभी तक क्या प्रीलिम्स क्लियर किया है? प्रीलिम्स क्लियर किया है आप? नेक्स्ट टाइम किया था, मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, इस बार नहीं हुआ। अच्छा, इस बार नहीं हुआ, लेकिन तैयारी कर रहे हैं, इस बीच लाइब्रेरीज भी बंद हैं, पढ़ाई कैसे अफेक्ट हो रही है इस बीच? पढ़ाई इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक तो सारे लाइब्रेरी बंद किए और जो फर्स्ट फ्लोर और जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो लोग काफ़ी फी हाइक किए हुए, काफ़ी बढ़ा करके 4,000-6,000 किए हुए हैं। अच्छा, ये तो अनुराधा कोई पूछता ही नहीं इस बात को कि कितना रेंट भर के आ रहे हैं, कितना फीस जो है वो दे रहे हैं, कोचिंग वाले कितना फीस जो है वो इनसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इन तमाम एस्पिरेंट्स का एक इशू है जो पिछले कुछ समय में हमने देखा है, जिसमें आप ये देखिए कि लगातार जो एस्पिरेंट्स दिल्ली आ रहे हैं वो अपने घर परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं और यहाँ पर आकर जो सबसे बड़ी समस्या है वो घर ढूंढने को लेकर होती है। यहाँ पे जो है जैसे ये लाइब्रेरी, ग्राउंड फ्लोर सारे के सारे बंद हुए हैं, यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी बेसमेंट का बंद हुआ है, यहाँ के जो ओनर है जो फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पे बनाए हैं लाइब्रेरी, आपदा को अवसर में बदले हैं, वो सब लाइब्रेरी का पूरा फी हैक किए हैं, 4,000-6,000। और जो मेंस देने वाले बच्चे हैं उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि रूम में पढ़ाई नहीं हो पाती है, लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा फी हाइक है, 2 महीने बाद एग्जाम होगा उन लोग का, तो ये सब काफ़ी गलत हो रहा है। लाइब्रेरीज बंद है जी, तैयारी अफेक्ट हो रही होगी। तैयारी अफेक्ट हो रही है और हम लोगों का प्लान आज हम लोगों ने दिन भर भी यही किया है, हम बुक्स साथ लेके आए हैं, बुक्स साथ लेके आए, यहीं प्रोटेस्ट साइट पर ही हम
प्रोटेस्ट करेंगे, पढ़ के प्रोटेस्ट करेंगे, हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि प्रोटेस्ट इस तरीके से भी हो सकता है। ये प्रोटेस्ट को हमको नेशनल लेवल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जाना है कि स्टूडेंट्स की क्या डिमांड है। आज यूपीएससी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, कल को नीट का केस हुआ था, वो बच्चे छोटे थे, वो अपनी बात नहीं रख सकते, हम उनकी बात को भी आगे बढ़ाएंगे। हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो हमको देश को आगे चलाना है, तो हम रूल ऑफ लॉ के साथ सारा काम कर रहे हैं और बहुत पीसफुल यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पढ़ाई भी हम यही करेंगे क्योंकि लाइब्रेरी हमारे लिए सेफ नहीं है, तो स्ट्रीट से हम आके पढ़ाई करेंगे। देखिए आने वाले ब्यूरोक्रेट्स होंगे और पीसफुली प्रोटेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। डिमांड ये भी है यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी भी बननी चाहिए क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी की काफी ज्यादा जरूरी है। ये लोग जो है जब मन होता है अपने मन के अकॉर्डिंग फी हाइक करते हैं लाइब्रेरी का, रूम का, और फिर जो नेक्सस है, जो ये सब लॉबी बना हुआ है, वो सब खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की निधि, उसमें फाइनेंशियली इन लोगों को जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको कोई अंडरलाइन नहीं कर रहा है, और ये पिछले काफ़ी समय से स्टूडेंट्स जो है वो झेल रहे हैं, और ये एक बड़ी वजह है कि आज स्टूडेंट्स अपनी उन तमाम इश्यूज़ को रेज कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरफ भी, इन समस्याओं की तरफ भी सरकारों का, सिस्टम का ध्यान जाना चाहिए। जी जैसा अनुराधा ने आपको बताया, और हमने जो छात्रों की, तीन छात्रों की दुखद मौत हुई, सब बात कर रहे हैं उस बारे में, उसके अलावा इस बहाने किन बातों के बारे में बात करनी चाहिए, उन बातों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। रेंट का कितना पैसा देना पड़ता है, कितना लोन लेकर छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं, पीजी कैसे होते, कैसे हालातों में रहना पड़ता है।